हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे कि हमारी गाड़ी में अगर डीजल ख़त्म हो जाता है या फिर किसी कारण से गाड़ी हमारी एयर ले लेती है तो उसे एयर को कैसे निकालना है। तो सबसे पहले डीजल टैंक में डीजल अगर कम है या गाड़ी झुक गई और पीछे चला गया और एयर ले ली, ऐसा भी होता है, तो डीजल डालें। डीजल डालने के बाद ये हैंड प्राइमरी को खोलना है। BS4 और BS6 गाड़ियों में इस बात को ध्यान में रखें, BS4 और BS6 की गाड़ियों में ये एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। क्यूमिंस की TC इंजन वाली गाड़ियों में ये आता है एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो खुलेगा। और इसको अंदर बाहर करके इस तरह से प्राइमरी करना है। ये दबाने पर भी डीजल देगा, खींचने पर भी देगा, जल्दी डीजल भर जाता है इसकी वजह से। और उसके बाद इसको अगर सिर्फ आप पंप मार देते हैं डीजल डालने के बाद तो भी हमारी गाड़ी में डीजल चढ़ जाएगा सब जगह, ये फिल्टर भर जाएगा और हमारा दूसरा भी वहाँ का फिल्टर भर जाएगा और 2 से 3 बार सेल मारने पे गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसमें डीजल चढ़ाना है तो यहाँ पे ये 17 नंबर का नट दिया हुआ है, इसको खोलेंगे और फिर ऐसा पंपिंग करेंगे तो मेन पाइप का और पहले फिल्टर का, प्राइमरी फिल्टर का डीजल का एयर यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसको कस दें डीजल आने के बाद और उसके बाद इसको पंप मारते रहें। पंप मारते हुए साथ साथ में सेल मारें, 2 से 3 बार सेल लेगी और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। एयर निकालने के लिए कभी भी इंजेक्टर कॉमन रेल के ऊपर लगा मेटल का कोई पाइप नहीं खोलना है, पंप के ऊपर लगा कोई पाइप नहीं खोलना है। अगर आप इसमें से किसी भी पाइप को खोल के और सेल मारते हैं या क्रैंकिंग करते हैं और डीजल का प्रेशर अचानक अगर बन जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वहाँ के पाइप में कम से कम 300 बार का प्रेशर बन जाता है अचानक, तो हमारे शरीर में कहीं पे भी उड़ेगा तो स्किन को काट सकता है और आँख में भी जा सकता है, जिससे हमें परमानेंट डैमेज हो सकता है, परमानेंट खामी हमारे शरीर में नुकसान कर सकता है। और कभी भी ये इन पाइपों को भी ना खोलें, सिर्फ आप पंपिंग करें वहाँ से और साथ साथ में सेल मारें, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई मैकेनिक है, कारीगर है, तो वो इसको निकाल के हल्का सा पंपिंग कर सकता है, लेकिन सेल नहीं मारना है। सेल मार इसको लगाने के बाद ही सेल मारना है, क्योंकि ये भी 5 से 7 बार का प्रेशर का पाइप होता है और हाई प्रेशर पंप गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही 250-200 बार का प्रेशर हो जाता है, 300 बार पर होने पे स्टार्ट भी हो जाती है और अगर स्टार्ट हो गई तो 600 बार का प्रेशर हो जाता है। तो कभी भी आप ये पाइप को खोल के सेल नहीं मारना है, इसको अगर निकाल के, अगर आप कारीगर हैं तो ऐसा करें, इसको निकाल के पंपिंग करें, डीजल आ गया तो लगा दें, लेकिन सेल मारते वक्त यहाँ किसी पाइप को नहीं खोलना है, सिर्फ पंप मारिए और डीजल आपका चढ़ जाएगा। 2 से 3 बार गाड़ी सेल क्रैंकिंग करना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह आप किसी प्रकार की हानि से बच सकते हैं, नुकसान होता है, इसीलिए आप कोई पाइप को मत खोलें, सिर्फ पंप मारें और सेल मारें, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।